हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं सीका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रोडक्ट इंडिया पे। आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर व्यंजन और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे कि व्यंजन और उसके भेद क्या होते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था, तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन और स्वरों के भेदों के बारे में जाना था। इस वीडियो के अंदर हम वर्ण, व्यंजन और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि व्यंजन और उसके भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसकी सहायता, अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े उन्हें भी क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भी कुछ भेद होते हैं, उनको भी हमने उच्चारण के अकॉर्डिंग ही क्या किया है, अलग अलग बांटा, उच्चारण के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। कैसे बांटा गया वो देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने व्यंजन का बताया दिया था आपको, क कि क किससे मिलके बना है, अ से मिलके बना है। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। ये वैसे तो व्यंजन के भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं, चार भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, उष्म और संयुक्त। सबसे पहले देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श का जो अर्थ होता है वो होता है छूना। स्पर्श का अर्थ होता है क्या होता है, छूना, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को छुए उन्हें स्पर्श कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, मुद्रा और तालु, दांत, तो ऐसे कई जो हमारे मुंह के भाग है, अगर हम उनका उच्चारण करें, जैसे कुछ वर्ण है इनका उच्चारण करें, तो क्या वो अगर किसी भी हमारे मुंह के भाग को छुए उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के अंदर कितने व्यंजन आते हैं, 25। ये आप देख रहे होंगे, पांच, ये पांच 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 पांच, ये हमारे तो पांच पांच दस, पांच पंद्रह, पांच बीस, पांच पच्चीस, ये 25 व्यंजन क से लेके म तक, कहां से, क से म, क्या हमारे होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इनमें पता कैसे, जैसे क ख ग घ ड, क ख ग घ ड। अब ये आप सोच रहे होंगे, इनमें जब आप इनको उच्चारण करते हो तो ये हमारे कंठ को छूते हैं, इसको कंठ को, मुंह का जो भाग है कंठ, उसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब अगले हमारे च छ ज झ न, च छ ज झ य। अब ये को उच्चारण करते समय कहां छूते हैं, तालु को छूते हैं, किसको, तालु को, ट ठ ड ढ य, सॉरी ट ठ ड ढ न। अब इसका उच्चारण करते समय किसको छूते हैं, मूर्धा को छूते हैं, ओके, ट ठ ड ढ न, इसको इसका उच्चारण करते समय दांत को छूते हैं, इसको दांत को, प फ ब भ म, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे सिर्फ होंठ हिलते हैं। आप लोग उच्चारण करते हुए देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कंठ, दांत, मुद्रा और ये जो तालु में ये होते कहां, क्योंकि जैसे जैसे आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे आपकी जीभ वहीं लगेगी और आप समझ जाओगे वो कौन सा भाग होता है मुंह का। क ख ग घ ण, ठीक, इसको कंठ को, च छ ज झ न, किसको, तालु को, ट ठ ड ढ ण, ये किसको छूते हैं, हमारे मुद्रा को, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ट ठ ड ढ ण, ये किसको, दांत को, प फ ब भ म, ये होंठ, जो हमारे होंठ होते हैं सिर्फ वही हिलते हैं इनको जब हम उच्चारण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ किसी ना किसी भाग को, मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, जिस कारण क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वाली लाइन को उच्चारण करोगे तो कंठ को, च वाली को उच्चारण करोगे तो इसको तालु को, ट वाली को उच्चारण करोगे तो मूर्धा को, और ट वाली को उच्चारण करोगे तो दंत को, और प वाली को उच्चारण करोगे तो होंठ, हमारे क्या करते हैं, हिलते हैं। आप इनको उच्चारण करके देख सकते हो, प ख ब भ म। और अब इनको जो बांटा गया है, जो स्पर्श व्यंजन के भी भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा तो अभी आपको ज्यादातर डीप जाने की जरूरत नहीं है, इनके भेद क्या होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही होते हैं, जैसे क च ट त प, इनके ही अकॉर्डिंग इनके क्या होते हैं, हमारे भेद होते हैं। जैसे क, क
क के पीछे वर्ग लगा देते हैं। इनको वर्गों के हिसाब से बांटा गया है। किसको? स्पर्श व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। अब क वाली लाइन को बोलना हो तो क वर्ग, च वाली को च वर्ग, ट वाली को ट वर्ग, त वाली को त वर्ग और प वाली को प वर्ग। ऐसे इनको हम क्या करते हैं, बोलते हैं वर्गों के हिसाब से स्पर्श व्यंजन के अंदर। और ये जो व्यंजन होते हैं ये 25 के 25 हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप लोग समझ गए होंगे, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ओके, अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का अर्थ मतलब सॉरी अंतस्थ का अर्थ होता है भीतर, मतलब जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ध्वनि या फिर कह सकते जो हवा है वो घूमे ही रह जाए उन्हें क्या कहते हैं, हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो य र ल व, जब आप इनका उच्चारण करते हो तो आवाज तो बाहर आती है लेकिन जो हमारे शब्द होते हैं ये ऐसा हमें लगता है कि हमारे मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, य र ल व, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वर्ण मुंह के भीतर ही रह जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा उष्म व्यंजन। अब ये उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्म का अर्थ होता है गर्मी। इनको इनके क्या होते हैं, चार वर्ण होते हैं, य र ल व, ये कैसे व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन आते हैं हमारे श स स ह, ये तीनों ही श हैं, बस थोड़ा अंतर होता है। इसको हम 21 वाला श कहते हैं, सलगम वाला श भी कहते हैं, इसको षटकोण वाला कहते हैं, इसको सपेरे वाला कहते हैं सर, या फिर साप वाला सड़क वाला से भी कहते हैं इसे लोग। ये किसमें आते हैं, उष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। उष्म व्यंजन का उष्म का अर्थ होता है गर्मी, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस में गर्मी पैदा हो उन्हें क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। हम जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारे सांस में गर्मी पैदा होती है, जिस कारण ही हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। अब आप इन्हें बोल के भी देख सकते हो, स स स ह, क्या होते हैं ये, स स स ह। और जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह के विभिन्न भागों से टकराती है, तो इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी उत्पन्न करे उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। तो क्या होते हैं वो, स स स ह, ये हमारे कैसे व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। अब अगला बचता है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं, वैसे कई लोग संयुक्त व्यंजन बहुत कमी, वैसे व्यंजन का भेद होता है लेकिन कोई कोई ने बताता नहीं है, बट ये भी एक व्यंजन का भेद है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन के अंदर की पहले परिभाषा देख लो, जब दो या दो से अधिक व्यंजन मिलकर कोई एक वर्ण बनाए उन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब ये अब तक हमने जितने भी पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, इनमें तो एक व्यंजन है और एक क्या है हमारा, स्वर है। लेकिन ये जो चार है हमारे अक्षेत्रीय, ज्ञानी, शर्मिक, इनमें क्या होते हैं, दो व्यंजन होते हैं और एक स्वर होता है। जैसे आप त्रय ले लीजिए, त्र, अब ये कैसे बना है, त प्लस र प्लस अ, तो क्या आवाज है आपको, त्र, क्या आवाज है आपको, त्र। तो ये क्या, दो व्यंजन इसमें त और र, और क्या है, एक स्वर है। ये संयुक्त मतलब किसी चीज से मिलके बनना, तो ये किन किन चीजों से मिलके बने हैं, वैसे ये भी मिलके ही बने हैं लेकिन इनमें व्यंजन दो आ जाते हैं इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको अब तक आपने जो तीन पढ़े थे ये उच्चारण के हिसाब से बांटे गए थे, इसलिए ये तीन ज्यादातर माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन को हमने उच्चारण के हिसाब से नहीं बनाया है, ये वे व्यंजन होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यंजन हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्षय, त्रिय, ज्ञानी, षड्भी, देख सकते हो त्रय में त प्लस र प्लस ए मिलकर बनाया त्रय बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे इनका डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, एक बार और देख लो। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगला है हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन के क्या होते हैं, भेद होते हैं,
स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीव मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अंतस्थ व्यंजन में क्या है हमारा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा या फिर कह सकते हैं जो वर्ण होते हैं वो मुंह के भीतर ही रह जाए उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हवा है वो मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी उत्पन्न करे उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजन मिलके जिस वर्ण का निर्माण करे उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये थी इनकी परिभाषा। क से म तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, य से ग तक अंतस्थ व्यंजन, इसमें भी चार होते हैं, इसमें चार होते हैं, इसमें चार होते हैं, उन्हें कितने होते हैं हमारे 25 होते हैं। ओके, य रलो अंतस्थ व्यंजन, श श श ह उष्म व्यंजन और अक्षर त्रिय ज्ञानी श्रमिक कह संयुक्त व्यंजन। इसी के साथ व्यंजन और उसके भेदों का जो हमारा टॉपिक है विषय है वो आज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।